स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लंग्स। आप कई बार डॉक्टर के पास जाते हो अपना आईज का चेकअप करने, डॉक्टर कहता है आपका नंबर नेगेटिव है, -2 है, -3 है। जब कोई ओल्ड एज में पर्सन जाता है वो चेक करवाता है आईज, तो डॉक्टर कहता है आपका नंबर जी +2 है, +3। तो उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, वो आपको पावर ही बताता है। माइनस प्लस का क्या मतलब, पावर का मतलब होता है The ability of a lens to converge or diverge the lens की जो एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्स करने की, कन्वर्ज करता है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्स करता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव, उसको पावर बोलते हैं। अब पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, P इज इक्वल टू होता है 1/F, ये रिलेशन है, P पावर है और F का फोकल लेंथ। तो रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ P इज इक्वल टू 1/F। अब आपको बताओ कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव, कंकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है पावर भी नेगेटिव होती है। यानी किसी का नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको लेंस कन्वेक्स लेंस, किसी का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको लेंस कंकेव लेंस। अब इनके यूजेस आते हैं कन्वेक्स लेंस और कंकेव लेंस के। कन्वेक्स लेंस का तो यूज करते हैं, यूज कन्वेक्स लेंस का हम करेंगे टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसकी नजदीक की नजर कमजोर होगी। तो जिसकी नजदीक की नजर कमजोर होगी उसका नंबर पॉजिटिव आएगा, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है और जो लेंस लगा हुआ है वो कन्वेक्स लेंस है। इसका अलावा ये यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है स्मॉल लेटर को बिग करके दिखाता है, तो छोटे लेटर को बड़ा करके दिखाएगा उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो एनलार्ज इमेज, रियल इमेज, कन्वेक्स लेंस बनाता है तो मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कैमरा, इन सब में भी आपका ये कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम होता है इमेज को बड़ा करने के लिए, तो बड़ा करने के लिए कन्वेक्स लेंस होती है। इसके अलावा कंकेव लेंस की बात करें तो ये हाइपरमेट्रोपिया को सही करता है। कंकेव लेंस इसका यूज है टू करेक्ट मायोपिया डिफेक्ट। मायोपिया का मतलब होता है जिसकी दूर की नजर कमजोर है, जैसे आपकी दूर की नजर कमजोर है, आपका नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव फोकल लेंथ कंकेव की होती है, उसकी पावर भी नेगेटिव है, मतलब आपको जो लेंस लगा हुआ है वो कंकेव। अब क्वेश्चन ये उठता है ये कंकेव लेंस की पावर कितनी है आपकी, -3 -2 का मतलब क्या है, उसका क्या मतलब है। जैसे अगर कोई आपको कन्वेक्स लेंस दे दे उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कहता उसकी पावर क्या है, पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 1/10 मीटर, ठीक है जी 1/10। या आप सपोज कर सकते हो क्योंकि आमतौर पर जो स्पेक्स यूज होता है तो उसमें लगभग 50 सेंटीमीटर होता है, तो आप 50 सेंटीमीटर 50/100 1/2 F, तो P is equal to 1/F, तो P is equal to F का 1/2, तो P कितना है 2 diopter, D का मतलब है diopter SI यूनिट पावर का होता है, तो पावर आ गई +2D। यानी जिसका नंबर +2D है उसको कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है करेक्ट करने के लिए
जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव। उसके बाद फिर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी आपने दो लेंस को कंबाइन कर, जैसे किसी की दोनों नजर कमजोर है, दूर की भी और नजदीक की भी दोनों नजर कमजोर है, तो वो क्या करेगा, लेंस का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे इस स्पेक्स में क्या होता है, दूर की नजर कमजोर के लिए अपर लेंस तो दूर के लिए यानी कनकेव लगा देता है, और लोअर जो पार्ट होता है वो कन्वेक्स लगा देता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो हम की लेंस को कॉम्बिनेशन कर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक मान लो करके लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है हमारे पास प्लस 50 सेंटीमीटर, एक की फोकल लेंथ है माइनस 25 सेंटीमीटर, या दोनों कंबाइन करके रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालो और रिजल्टेंट पावर निकालो, कंबाइन कर लो रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालना और रिजल्टेंट पावर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, यानी दो लेंस है अगर उनकी अलग अलग पावर दे रखी है तो दोनों को कंबाइन करने का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। आप क्या करो, पहले पी वन दिया सेंटीमीटर के मीटर, 50 by 100 1/2 मीटर, माइनस 25 by 100 माइनस 1/4 मीटर, तो P1 1/F1, इसको F1 ले लो इसको F1, 1/F1, F1 है 1/2, तो P1 कितना आएगा 2/2, P2 1/F2, 1/F2 है माइनस 1/4, तो माइनस 4/2, तो टोटल पावर दोनों को ऐड करते हैं 2 + -4, 2 - 4 - 2/2, तो रिजल्टेंट पावर आई माइनस 2/2। एक तो ये निकाला रिजल्टेंट फोकल लेंथ पी इज इक्वल टू 1/F, पी है 2 - 1/F, तो आप एफ निकालना चाहते हो तो एफ बाई वन क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी रेसिप्रोकल, माइनस 1/2 मीटर, एफ आएगा माइनस 1/2 मीटर, मीटर के सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको डाटा के सेंटीमीटर में, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ भी आप सेंटीमीटर में लगा सकते, कितना है माइनस 50 सेंटीमीटर। तो अगर रिजल्टेंट पावर नेगेटिव आ रही है तो कॉम्बिनेशन ओवरऑल कनकेव बनेगा और फोकल लेंथ भी ओवरऑल आपके पास माइनस होती। कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं F1 + F2, ये फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला यही होता है पी इज इक्वल टू पी वन प्लस, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मान लो पावर ना पूछे वो क्या रिजल्टेंट फोकल लेंथ बता दो, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, 1/F = 1/F1 + 1/F, मतलब आपको पावर ना निकालना डायरेक्ट एफ निकालना, तो कैसे करें, तो एफ वन है, अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर नहीं रहने देंगे क्योंकि आप सब सेंटीमीटर में चाहिए, माइनस 25 क्योंकि फोकल लेंथ जिस में आपको डेटा गिवन है उसी में आंसर निकल रहा है, तो ये सॉल्व करते हैं 1/F 1/50 - 1/25 50 1 50 by 25 2 - 1/50, एफ कितना आएगा माइनस 50, तो इससे भी ये आंसर, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो है आप ऐसे निकाल सकते हो बिना पावर का। तो ये आपका था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।